अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही रमज़ान स्पेशल चिकन समोसे की रेसिपी। तो चलिए इसे हम बना लेते हैं। इसे आप रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रख सकते हो 15 से 20 दिन के लिए। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम इसकी स्टफिंग को तैयार कर लेंगे। हमने ले लिया है पैन, इसमें ऐड कर देंगे ऑयल, साथ ही में हम इसमें ऐड कर देंगे चॉप की हुई ऑनियन और इसे हल्का सा कलर चेंज होने तक का सौटे कर लेंगे। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ वेजीज, आप चाहो तो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कोई भी वेजीज इसमें ऐड कर सकते हो। हमने यहाँ कैरेट, कैबेज और कैप्सिकम को अच्छे से चॉप कर लिया है। इसे हम 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर सॉटे कर लेंगे। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे विनेगर, साथ ही में हम इसमें ऐड कर देंगे सोया सॉस और उसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे बॉईल किया हुआ श्रेडेड चिकन, इसे हमने नमक और काली मिर्च ऐड कर बॉईल कर लिया था। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ ड्राई मसाले जो मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही में हम इसमें ऐड कर देंगे रेड चिली सॉस और उसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से सॉटे कर लेंगे। ये अच्छे से कुक हो चुका है, तो चलिए गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। ये अच्छे से ठंडा हो चुका है, इसे हमने बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे मायनीस और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन की स्टफिंग बनकर तैयार है, तो चलिए इसे हम साइड में रख देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। एक बाउल ले लेंगे, उसमें हम ऐड कर देंगे मैदा, साथ ही में हम इसमें ऐड कर देंगे पानी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे साइड में रख देंगे। समोसा बनाने के लिए हम ले लेंगे होममेड समोसा शीट्स, आप चाहो तो बाजार वाली शीट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। एक शीट उठा लेंगे, उसे इस तरह से कोन शेप में फोल्ड कर देंगे और इसके अंदर सारी स्टफिंग को हम फिल कर देंगे। इसके अंदर जितनी स्टफिंग रिक्वायर्ड है उतनी ही स्टफिंग इसमें ऐड करें, इसे ज़्यादा ओवर स्टफ ना करें वरना ये फट जाएगा। इसके साइड कॉर्नर्स पर हम मैदे की सलरी को अप्लाई कर देंगे। फिर हम इसके कॉर्नर्स को इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे और इसी तरह से हम सारे समोसों को तैयार कर लेंगे और साइड में रखते जाएंगे। और हमने यहाँ सारे समोसों को बनाकर तैयार कर लिया है, तो चलिए इसे हम फ्राई कर लेते हैं। आप चाहो तो इसे स्टोर करके भी रख सकते हो 15 से 20 दिन के लिए किसी भी एयर टाइट कंटेनर या फिर किसी भी जिप लॉक बैग में इसे ऐड कर दें। रमज़ान के लिए इसे आप रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रख सकते हो। इस तरह से आप किसी भी कंटेनर में स्टोर कर लें और इफ्तार के वक्त इसे डायरेक्टली फ्राई कर सकते हो मीडियम फ्लेम पर। इसे डीफ्रोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो बचे हुए समोसे हैं, तो चलिए इसे हम फ्राई कर लेते हैं। इसे फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई में ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। इसे हम मीडियम लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। एक एक करके सारे समोसे को हम ऑयल में ड्रॉप कर देंगे और इसे हमें क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक का फ्राई कर लेना है। बीच बीच में इसके साइड्स को हम चेंज करते हुए फ्राई करेंगे। जब ये नीचे से अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, इसकी साइड्स को हम चेंज करते हुए फ्राई कर लेंगे और इसे हमें गोल्डन क्रिस्पी होने तक का फ्राई कर लेना है। और यहाँ आप देख सकते हो समोसे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं सर्विंग प्लेटर में। इसी तरह से हम सारे समोसों को फ्राई करते जाएंगे और साइड में रखते जाएंगे। इस रेसिपी को रमज़ान में ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।